धोनी, ये नाम इंडियन क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक का है। धोनी भारत के सबसे सफल कप्तान रह चुके हैं। धोनी ने अपने क्रिकेट के करियर में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जिनका कोई मुकाबला नहीं है। धोनी ने हमें ऐसे कई यादगार पल दिए हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। तो चलिए आज उनके कुछ दिए यादगार लम्हों की बात करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिलैक्सिंग होने वाली है, पर वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एंड तक देखें और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। जब डेल स्टेन पर बरसे थे धोनी, आईपीएल 2015 में जब चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला हुआ, जब एमएस धोनी ने पारी के आखिरी ओवर में 24 रन बना डाले, सामने बॉलिंग डेल स्टेन कर रहे थे जो उस वक्त अपने पीक पर थे। वर्ल्ड कप 2011 का वो सिक्स, 2 अप्रैल 2011 को महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का जड़कर भारत को वर्ल्ड कप जिताया था। 28 साल बाद टीम इंडिया ने वनडे का वर्ल्ड कप जीता था। एमएस धोनी का ये सिक्स इतिहास में दर्ज हो गया, जिसे ना जाने कितनी बार देखा जा चुका है। कप्तानों के कप्तान, आईपीएल के एक मैच के दौरान जब महेंद्र सिंह धोनी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, तब कैमरा उनकी तरफ गया। ड्रेसिंग रूम के बाहर भारत के सभी कप्तानों की तस्वीर छपी थी, साइड में बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा था भारत के कप्तान। खास बात ये रही कि उसी के साइड में एमएस धोनी बैठे थे, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक है। श्रीलंका के खिलाफ 183 रनों की पारी, 2004 में डेब्यू करने वाले एमएस धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली थी जो इतिहास में दर्ज हो गई। जयपुर में नाबाद 183 रनों का स्कोर किसी विकेटकीपर द्वारा बनाया गया वनडे का सबसे बड़ा स्कोर रहा। इस पारी में उन्होंने 10 छक्के जमाए, जो लंबे वक्त तक एक रिकॉर्ड रहा। एमएस धोनी का अनोखा रन आउट, टी20 वर्ल्ड कप 2016 में भारत और बांग्लादेश का मैच था। बांग्लादेश को जीत के लिए एक बॉल पर 2 रन चाहिए थे। हार्दिक ने बॉल डाली जो सीधा एमएस धोनी के हाथ में गई। उन्होंने बॉल थ्रो नहीं की बल्कि उसे लेकर दौड़ पड़े, स्टंप में जा घुसे और बांग्लादेशी प्लेयर रन आउट हुआ। भारत ने इस मैच को एक रन से जीता।